नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, विपक्ष हमलावर है। ऐसे में एक बार फिर से 7 अगस्त को सड़कों पर विपक्ष निकलने जा रहा है। एक तरफ प्रतिरोध मार्च निकाला जा रहा है तो दूसरी तरफ जो है कांग्रेस भी साथ है। राजद हो, लेफ्ट पार्टी हो, यानी कि महागठबंधन की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जाने वाला है। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद के राष्ट्रीय महासचिव। क्या कैसे इसको देख रहे हैं आप लोग, एक बार फिर से एक साथ दिखेंगे सड़कों पर? हम एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे। देश में जो कुव्यवस्था फैला रखा है NDA के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह देश को तोड़ने की साजिश कर रही है या उसमें अपना 4 कदम आगे बढ़ चुकी है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो देश के हित में हैं, राष्ट्र के हित में हैं, राष्ट्र के आम लोगों के हित में हैं, वो सब मिल कर करके ऐसे कुकर्मी सरकार को के खिलाफ हम आंदोलन करने के लिए कार्यक्रम बनाए हैं। क्योंकि देश में और राज्य में, इस राज्य में सुखाड़ की भयंकर स्थिति है। सुखाग्रस्त घोषित करने की हमारी मांग है, क्योंकि एक तरफ बारिश नहीं हुआ है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है और किसान मर रहा है। अगर कहीं कहीं बारिश हुई है तो उनके पास किसी तरह का खाद नहीं मिल रहा है, खाद के चलते लोग मार खा रहे हैं किसान। तो हमारा मानना है, हमारे गठबंधन का, कि बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करो। दूसरा है कि महंगाई की मार आम लोगों पर पड़ा हुआ है, महंगाई की मार से आम लोग प्रताड़ित हैं, आम लोग परेशान हैं। अब तो खाद्यान्न सामग्रियों पर भी, दूध अनाज सब पर GST लग गया है। यही सरकार थी जब नरेंद्र मोदी जी, जब सरकार नहीं आई थी, जब वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने थे, तो क्या कहते थे, ये देश जो है जैसे जैसे रुपए का कीमत घटेगा, यानी कि देश का भी सम्मान घट रहा है। आज क्या हो रहा है तो नरेंद्र मोदी जी देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं कि देश का सम्मान घटा रहे हैं? तो ये सवाल है। बेरोजगारी का बाढ़ चरम सीमा पर बढ़ गया है, अब तो छटनी हो रहा है सारे चीज़ का निजी। इन सारे सवालों पर हम लोग हर एक जिला मुख्यालय पर हम लोग प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन देंगे कि महंगाई कम करो, GST ख़त्म करो, बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करो। इन सारे सवालों को लेकर के हम लोग प्रदर्शन का कार्यक्रम 7 तारीख को रखे हैं। लेकिन हम की तरफ से कहा गया है कि अब चोर मौसेरे भाई एक हो गए हैं तो एक दूसरे को नसीहत देंगे ही। ऐसे लोगों की बात मुझको नहीं करना। जो लोग रात में कुछ कहते हैं, दिन में कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं कि शराबबंदी होना चाहिए, कभी कहते हैं शराबबंदी नहीं होना चाहिए, कभी कुछ कभी कुछ, इनको रात में जो सपना आता है उसी को दिन में बखान करते हैं। ऐसे लोगों पर कोई वक्तव्य देना मेरे जैसे लोगों के लिए कोई भी माने नहीं रखता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार थी तो क्या उसका भी वो ब्यौरा देंगे, माफ़ी मार्च निकालना चाहिए था उनको? मेरा तो ये कहना है, जीतन बाबू वरिष्ठ आदमी है, हम उनका सम्मान करते हैं। उनकी सरकार में जो फैसले लिए थे, अगर वो इम्प्लीमेंट वर्तमान सरकार नहीं कर रही है तो उनको इस बात को बताना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि इस राज्य में सूखा है कि नहीं है, इस देश में महंगाई है कि नहीं, इस पर वो बात करें ना। क्या था क्या है वो नहीं, महंगाई है कि नहीं है, बेरोजगारी है कि नहीं है, सूखा है कि नहीं है, इस पर बात बोलना चाहिए उनको। उनको कहना चाहिए जिस तरह से NDA के बहुत सारे नेताओं को लोकसभा में महंगाई नज़र नहीं आ रही थी, उनको सूखा नज़र नहीं आ रहा था, उनको खाद की कमी महसूस नहीं हो रही थी। तो क्या हम पार्टी के लोगों को, NDA के लोगों को भी, यहाँ के नेताओं को क्या ये कहेंगे, अपने क्षेत्र में जाकर कहें कि सूखा इस राज्य में नहीं है? वो कहेंगे दम के साथ, कहें, जाएं किसानों के बीच, मैं चुनौती देता हूं कि जाएं किसानों के बीच, कहें कि सूखा नहीं है, जाएं उन गृहणियों के बीच कि महंगाई नहीं है, लोगों के पास अपार सुख संपदा है, जाएं बेरोजगारों के पास, नौजवानों के पास, यहां बेरोजगारी नहीं है। इस बात को कहें ना, कहें तो कि सूखा नहीं है, महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि सूखा है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। बिहार की 13 करोड़ जनता इस बात को कह रही है और देश की 130 करोड़ जनता कह रही है। बहुत
बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ श्याम रजक ने कहा कि जिनका साफ तौर से कहना है कि हम पार्टी में अगर हिम्मत है तो जाकर के बेरोजगारों के बीच वो मसला हल करें, सुखाड़ है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, इन सब चीज़ों को उठाएं। हम उन्हें चुनौती देते हैं कि अगर हिम्मत है तो इन सब चीज़ों में वो हमारा साथ दें। इस खबर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।